नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर में डर और दहशत से लोगों ने खुद से ही घर से बाहर निकलना कम कर दिया है। सरकार भले ही लॉकडाउन लगाने में देरी कर रही है, लेकिन अधिकांश लोगों ने खुद को घर में लॉक कर रखा है। बिहार से बाहर जाने का प्लान भी कैंसिल कर रखा है। तभी तो अलग अलग रूटों पर चलने वाली ट्रेनों के सभी क्लास के कोच खाली रह रहे हैं। यात्रियों की कम संख्या के कारण रेलवे को पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलने वाली 03245 और 03246 कैपिटल एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन को अगले आदेश तक बंद करने का फैसला लेना पड़ा है। ये स्पेशल ट्रेन राजेंद्र नगर से गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को चलती है, जबकि न्यू जलपाईगुड़ी से सोमवार, शनिवार और रविवार को ये ट्रेन राजेंद्र नगर के लिए चलती है। पूर्व मध्य रेलवे के CPRO राजेश कुमार के अनुसार अप और डाउन में इस ट्रेन में पैसेंजर्स नहीं मिल रहे थे और इसी वजह से 6 मई से राजेंद्र नगर और 8 मई से न्यू जलपाईगुड़ी से इस ट्रेन को अगले आदेश तक रद्द कर दिया गया है। राजेंद्र नगर टर्मिनल से नई दिल्ली जाने वाले के लिए हर दिन शाम में राजधानी एक्सप्रेस और संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन के तौर पर चल रही है। ये दोनों ही बिहार से चलने वाली पॉपुलर ट्रेनों में शामिल हैं। इन दोनों ट्रेनों से सफर करना पैसेंजर्स काफी पसंद करते हैं। आम दिनों में ट्रेन के हर क्लास में लंबी वेटिंग होती है, मगर कोरोना की मार ऐसी पड़ी है कि इन ट्रेनों के हर कोच में बर्थ खाली रह जाते हैं। बहुत कम पैसेंजर्स के साथ ही ये ट्रेन राजेंद्र नगर से नई दिल्ली के लिए चल रही है। सोमवार की शाम 4:30 बजे तक 02309 राजधानी स्पेशल की 3rd AC में 664, 2nd AC में 233 और 1st AC में 33 बर्थ खाली रहे। इसी तरह संपूर्ण क्रांति स्पेशल में 3rd AC में 306, 2nd AC में 175 और स्लीपर में 229 बर्थ और 2nd क्लास में 168 सीटें खाली रहीं। यह हाल कई ट्रेनों का है। CPRO के अनुसार राजधानी और संपूर्ण क्रांति स्पेशल को बंद नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इन ट्रेनों को भले ही पटना से जाने में पैसेंजर्स नहीं मिल रहे हों, लेकिन नई दिल्ली से पटना आने वाली ट्रेन में बुकिंग हो रही है, पैसेंजर्स मिल रहे हैं। हर रूट के अप और डाउन में चलने वाली ट्रेनों की परिस्थितियों को देखकर ही रेलवे फैसला ले रहा है। ट्रेनों का परिचालन कोरोना वायरस की वजह से नहीं, बल्कि पैसेंजर्स की कम संख्या होने की वजह से बंद की जा रही है, और यही कारण है कि अब एक और ट्रेन को बंद किया गया है, क्योंकि पैसेंजर्स की घोर कमी कोरोना संकट काल के चलते दिख रही है। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।